गाइस आपने रात में देखा था कि हमने पतंग खरीद के लाए थे, तो आज है 14 जनवरी, मतलब आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी बज रहे 12 और अभी मैं फ्रेश होगी और फिर हम जाएंगे टेरेस पे पतंग उड़ाने और दो टीमें पांच पांच की। बट एक बात है गाइस कि जो विनर होगा, मतलब जो जीतेगा, मतलब कैसे एक पतंग कट गई पहली वाली फर्स्ट वाली, तो उसे मिलेगा iPhone 15 Pro Max। मेरे पास तो है और मुझे पतंग भी नहीं आती है, बट जो भी जीतेगा उसे मिलेगा 15 Pro Max। और मेरे पास है पर और एक आईफोन किसे नहीं चाहिए, 10 iPhone लेके घूमूंगी, 10 पतंग कट करूंगी उनके। बट वो बोलते कि जब तू पैदा हुई थी ना तब से मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो सोचो ना कितना एक्सपीरियंस है जो 15 Pro Max देने वाले। तो देखते कौन जीतेगा, आप बताओ कौन जीतेगा। मुझे पता है आप तो सानू फैम को सपोर्ट करोगे, तो वेट करो गाइस मैं रेडी होगी। फिर मुझे उसके बाद एक शूट करना है प्रमोशन का, फिर रील्स बनानी है मकर संक्रांति की, वो बना के हम जाएंगे पतंग उड़ाने, पूरा सनस्क्रीन लगाएंगे पूरा पूरा। वैसे तो मैं काली हो गई हूँ यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे धूप भी और ठंड भी है, पता ही नहीं चलता कैसा मौसम है। तो चलो जल्दी से रेडी होते और जाते हैं। और आप मुझे है ना कमेंट में बताना भी कि आपको कैसे लग रहे मेरे व्लॉग। बट गाइस मुझे जितना होता है ना मैं उतना शूट करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है नहीं बस बैठे रहो देखते रहो दरगाह को, इतना सुकून मिलता है मुझे, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। बट मुझे जब भी दिमाग में आता है नहीं यार मुझे तो व्लॉग लेना है, तो मैं तुरंत शूट करती हूँ, ऐसे पकड़ के खुद ही बोलती हूँ, सारी दुनिया ऐसे देखती है पागल लड़के क्या कर रही है, बट मैं तो भी शूट करती हूँ। और गाइस आप मुझे बहुत सारा प्यार देना, अगर आप मुझे बहुत सारा प्यार दोगे तो मैं नए नए व्लॉग लाऊंगी, चैलेंजेस लाऊंगी और ऐसे ही मैं 15 Pro Max जीतते रहूंगी। और गाइस नेक्स्ट व्लॉग में कोई और आने वाला है, तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। आप जानते हो वो कौन है, मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो गेस करो वो कौन है कमेंट में बताना। तो उनसे भी मिलाएंगे, उनसे बहुत सारी मस्ती करेंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। A few moments later. तो गाइस मुझे दिखाना था कि ब्रेकफास्ट करते हो, लेकिन मेरा बुद्धू दिमाग मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मतलब याद ही नहीं रहता है, पूरा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया और फिर मैं बोली ओ शिट मेरा व्लॉग रह गया। तो मैंने खाए थे पोहा, अमूल बटर ब्रेड और चाय, और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। तो मैं रेडी होती हूँ जल्दी से, मुझे ब्लैक कलर का ड्रेस पहनना है, क्योंकि मैंने सुना है मकर संक्रांति को ब्लैक कलर ही पहनते, तो मैंने एक ही ब्लैक कलर का ड्रेस लाया था। क्योंकि ये भी सुना है कि अगर आप कहीं पे जाते हो, मतलब दरगाह में या कहीं, तो ज्यादा ब्लैक नहीं पहनते, तो मैं ब्लैक आज पहनूंगी क्योंकि मैंने एक ही ब्लैक ड्रेस लाया है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने बोला था कि अब मैं रेडी होगी और फिर पतंग उड़ाने जाऊंगी, बट हम पतंग उड़ाने नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे हवा ही नहीं है थोड़ी सी भी। तो अभी हम जा रहे हैं पुष्कर घूमने के लिए, फिर वहां से हम आएंगे, फिर हम 4 बजे जब हवा आएगी तो पतंग उड़ाएंगे। और कल मेरे नेल्स इतने प्यारे दिख रहे थे, वो टूट गए, अब मेरा हाथ ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैंने बोला था हम जा रहे हैं पुष्कर घूमने, तो अभी हम आए हैं पुष्कर के मार्केट में। और वाओ गाइस इतने यूनिक चीजें ना यहाँ पे जो हमारे पुणे में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, और मुझे यहाँ पे इतने जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऑटो चलती है और मेरी आवाज आप तक पहुँचती भी नहीं है, और मुझे फास्ट बोलने की आदत भी है। आप मुझे हमेशा बोलते हो कि फास्ट बोला करो, तो अभी मैं फास्ट बोल रही हूँ, फास्ट नहीं बोलते तेज बोलते। अभी पहले हम अंदर जाएंगे टेम्पल देखेंगे और फिर उसके बाद मैं पूरा मार्केट घुमाऊंगी और मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अगर इन लोगों ने मुझे करने दी तो मैं बेचारी गरीब बच्ची मुझे कुछ भी नहीं लेने देते, बोलते जिंदगी भर शॉपिंग ही करते रहेगी, क्या करेगी इतना शॉपिंग करके, पर क्या करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी प्यारी प्यारी चीजें। सो गाइस आधा मार्केट तो पीछे खत्म हो गया जब मैं बोल रही थी, बट ये आधा मार्केट है। और ये कौन सा पुष्कर मार्केट है, लेकिन ये कौन सी चीज है, बैग कौन सी इसकी है, लेदर बैग। और गाइस मुझे पतंग भी उड़ानी है, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, पर हम 4 बजे उड़ाएंगे थोड़ी सी धूप कम होने के बाद। देखो गाइस ये पुष्कर का मार्केट है, हाँ, और हमें मिल गया है चप्पल का दुकान जो मुझे चाहिए था, मैंने कैब लिए यहाँ का, इसे बोलते हैं राजस्थानी पगड़ी, और हमने ये लिया है 50 रुपीज का, और ये
आया है 300 रुपीस का। वाओ गाइस देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये तो कितना प्यारा लग रहा है, बट ले नहीं सकती क्योंकि मैं क्या करूँगी लेके, कौन से जंग पे लड़ने जाऊंगी। हाँ मुझे मार देंगे एक ही तलवार में सारे लोग मिलके, सारे लोग नहीं बच्चा भी मार सकता है। आपने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं तो ऐसे दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ ना, कमेंट में जाके बताओ। देखो आप पूरे मार्केट में आपको पूरी राजस्थानी चीजें दिखेगी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें ना, वाव। हील्स पहन के आई थी ना और मुझे चलने ही नहीं आता, मैं बिना पिए बेवड़ी बन जाती हूँ उसमें, इतने बार गिर चुकी। और मेरा एक सीक्रेट बताती हूँ, सोचो मैं एक इवेंट में गई थी, इवेंट में मैं मतलब गेस्ट बन के गई थी और उधर मैं लोगों के बीच में वो हील्स के साथ गिर गई। कैसे लगा होगा मुझे, कितना प्यारा ना, वाव वाव। बहुत बड़ा मार्केट है, ये साइड भी है और ये साइड भी है। देखो ये पैंट्स लेने दीदी को, तो वो देखेंगे उन्हें जो अच्छा लगता है, पसंद है, यूनिक चीजें उन्होंने मुझे भी यूनिक बना दिया है। सो गाइस अभी हम आए इनकी शॉप में, क्या नाम है, रिद्धि सिद्धि फुटवेयर। रिद्धि सिद्धि फुटवेयर में, तो आओ मैं आपको इनका कलेक्शन दिखाती हूँ। मोजड़ी में, हील्स में मोजड़ी है क्या आपके पास? इधर का कलेक्शन बताती हूँ, ये देखो कितने यूनिक है ये और ये सारी चीजें। मैं पूछ रही थी आपके पास हील्स में मोजड़ी है क्या? हाँ हील्स में बेटा, मोजड़ी दिखाना हील्स के अंदर, हील्स वाली लेडीज लेडीज यूनिक बताना कुछ कैसे में हील्स हील्स में। हाँ इसमें साइज चलेगा, साइज के नहीं पूरा पैक मोजड़ी चाहिए, पूरा हील्स में। हाँ वो तो वो बेलीज आती है। कैसे इधर कैसे हो गई ना, वाव। यहाँ के कल्चर के हिसाब से मैंने खुद को चेंज कर लिया। बोला ना दीदी को यूनिक चीजें पसंद आती है, तो वो यूनिक चीजें ही ट्राई कर गया और मुझे, मैं तो खुद को कल्चर के हिसाब से चेंज कर देती हूँ। वाव पता ना ये वाली माला, ये माला बताओ कोई मतलब ऐसे वो है नहीं ना, मतलब ये वाली कलरफुल कलरफुल हाँ, कोई मतलब भगवान को डेडिकेट नहीं करते ना ये माला। ये देखो गाइस उस वो मतलब तूने लिए ना ब्रेसलेट, उसके लिए एक आउटफिट भी ले लिया। अभी गाइस ब्रेसलेट लिया है तो आउटफिट तो लेना पड़ेगा ना। गाइस हम अभी यहाँ से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लोग रुके और हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है, भूख लग रही है हमें बहुत ज्यादा, तो पहले जाते हैं लंच करते हैं और फिर और एक मार्केट में गए ना गाइस हम, तो मैं आपको दिखा दूंगी, चलो चलते। आप दीदी बोल रहे आप लोग बता दो आपको कुछ लाना है क्या, दीदी बहुत अच्छे है। तो पर दीदी से क्वेश्चन करना कमेंट में, दीदी आप हमें भेजोगे कैसे? एड्रेस कमेंट करना गाइस, दीदी भेज दे और क्या ला रहे हैं आपको यहाँ से, वो भी कमेंट कर देना, वो भी कमेंट कर देना। तो गाइस अभी हम यहाँ पे इतने बड़े ग्राउंड में पतंग उड़ाने आए और हमारे साथ इधर सब पतंग उड़ रही है, सब पतंग उड़ी और हमारे साथ क्या हो गया? नहीं निकल रहा, रिमोट कंट्रोल की कार होती है ना गाइस, वैसे आवाज आ रहा है। तो फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई, देखो गाइस कितना बड़ा गड्ढा हो गया। अभी हम उड़ाएंगे पतंग और बहुत सारी रील्स और स्टोरी बनाएंगे। कितने सारे पतंग उड़ रहे हैं इधर, बोला था आपको जो विनर होगा हम उसे 15 प्रो मैक्स देंगे, बट इन्होंने बोला नहीं 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 15
प्रो मैक्स तो नहीं देंगे, तो अभी हम पतंग उड़ा रहे हो यहाँ पे बहुत सारी पतंग, कितने होंगे यहाँ पे पतंग पता है? 500 हाँ 500 पतंगे। तो ना हमने एक शर्त लगाई है, आप जितने पतंग कट करोगे उसके बदले हम आपको देंगे 1000 रूपए, और अगर आपके पतंग कट हुई तो वो हमें देंगे 10,000 रूपए। सबको ब्लैक वाले पतंग दिख रहे हैं क्या, सबसे ऊपर ये वाली साइड वाली? हाँ वो पतंग है हमारी, ये दो पतंग। मैं बताती हूँ हमारी कटी या उन्होंने हमारा ही काट दिया। वाव गाइस कितने सारे पतंग है, और हमारी पतंग कट गई। इन लोग को पतंग ही उड़ानी नहीं आती, बेइज्जती करा दे रहे हमारी। देखो यहाँ का क्लाइमेट कितना प्यारा लग रहा है, वाव। और हम पतंग, सारे पतंग कट गए, सारे नूब है नूब। देखो वाव वाव गाइस, देखो पुष्कर का मकर संक्रांति। सुबह से रात हो गई हमें पतंग उड़ाते उड़ाते, यहीं पे हम अभी भी। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये है ग्राउंड जहाँ पे हम पतंग उड़ा रहे थे। ये रहा, हमने बहुत सारा लाया था, पर बच्चा इतना ही बेचारे नूब लोग हैं, इन्हें तो पतंग उड़ाने आती नहीं, और आईफोन की बात करते। ये रही इसकी सी पतंग, ये दूसरों की ये। सो गाइस अभी हम होटल पे आ गए, अभी हम जल्दी से कपड़े चेंज करेंगे और फिर नहाएंगे। नहाई हूँ मैं सुबह में, पर और एक बार नहाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे रेती था ना तो पूरे पैर गंदे हो चुके। तो अभी हम जाएंगे नहाएंगे और फिर हम जाएंगे दरगाह। तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैंने बताया था आपको कि हम पतंग उड़ा के आ गए, अभी मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है, देखो। अच्छा है ना, तो अभी हम जा रहे हैं दरगाह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दरगाह जाने। मैं सोचती हूँ कि मैं जितना टाइम यहाँ पे ना उतना टाइम मैं दरगाह में स्पेंड करूँ। तो अभी हम सब जा रहे हैं दरगाह, और ये लोग मुझे ही बोलेंगे कि तेरे वजह से हमें इतनी ठंड सहन करनी पड़ती। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, जैकेट दिलवा दिया मैंने मम्मी को, सब कर दिया, और अभी मैं जा रही हूँ दरगाह। Hello,